शाज़ी अंगायस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट न्यूज रिगार्डिंग 11th स्टैंडर्ड का जो FIJC CET एग्जाम हो रहा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से, उसके अंदर जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है। अब ये क्लियर हो गया है कि ये चार सब्जेक्ट्स का एग्जाम होने वाला है और दिस विल बी बेस्ड ऑन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस। और स्टेट बोर्ड और अदर बोर्ड जो स्टूडेंट्स है जिनको 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना है जूनियर कॉलेजेस में महाराष्ट्र में, उन्हें ये एग्जाम देना ही होगा। तो शुरू करते हैं। हमें ऑलरेडी पता है स्टैंडर्ड 10th का जो है एग्जाम हुआ नहीं, बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम नहीं होने की वजह से जो है रिजल्ट्स तो तैयार हो जाएंगे और जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हो गए, स्टेट स्कूल लेवल पे रिजल्ट्स प्रिपेयर हो रहे हैं और रिजल्ट्स अनाउंस होने का डेट भी बताया गया है कि इट विल बी डन बाय एंड ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2021। तो एक बार ये रिजल्ट अनाउंस हो गए उसके एक हफ्ते बाद सीईटी एग्जाम होने वाला है और ऑफलाइन होने वाला है, मतलब आपको सेंटर्स दिए जाएंगे, आपको जाके ये एग्जाम देना है और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पेपर बहुत ही सिंपल होगा, उसके बारे में बताया गया है। जो एग्जाम है ये भी ऑप्शनल है, ये भी बोला गया है कि ये सीईटी एग्जाम ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप सीईटी एग्जाम नहीं दोगे तो आपको 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन में फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब जितने भी बच्चों ने सीईटी एग्जाम दिया है उनका कैसा भी रिजल्ट आया हो, अच्छा बुरा, उन सबका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जो सीट्स बचेगी उसमें जिन्होंने सीईटी नहीं दिया उनका एडमिशन होगा। तो ऑफकोर्स सारी अच्छी कॉलेजेस चली जाएगी, तो आप सीईटी एग्जाम ना दे के अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो इसीलिए आपको सीईटी तो देना है, ये क्लियर है। हालांकि बोला गया है कि ऑप्शनल है। तो ये सीईटी एग्जाम जो है ये 100 मार्क्स का पेपर है, एमसीक्यू पैटर्न है, मतलब हर क्वेश्चन के चार ऑप्शंस होंगे, आपको सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 2 घंटे का पेपर होगा और ऑफलाइन तो होगा ही, और ये चार सब्जेक्ट्स कवर करेगा। द फोर सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया गया है, मतलब 100 क्वेश्चंस हो गए तो 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 25 क्वेश्चंस मैथ्स, 25 साइंस एंड 25 सोशल साइंस। तो ये पेपर पैटर्न होगा। सिलेबस क्या होगा? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस। अब स्टूडेंट्स को ये भी डाउट है कि 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में थोड़ा ओमिट किया गया था, थोड़ा सिलेबस रिड्यूस किया गया था, पर वो सिलेबस अब यहाँ पे सीईटी में आएगा कि नहीं आएगा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं आना चाहिए, पर हम कह नहीं सकते, उसके आने के चांसेस बहुत कम है। अभी तक बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, अगर क्लैरिफाई करते तो हमारे लिए इजी हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया है तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, पर वी कांट लीव एनीथिंग टू चांस। तो ये इतना है और सिंपल पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, तो जो डिफिकल्ट पार्ट है वैसे ही बड़े बड़े आंसर्स कुछ तो आने वाले नहीं है। तो इतना है। इसके अलावा जो आप अगर नॉन बोर्ड स्टूडेंट हो तो भी आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से ही आपको तैयारी करनी है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देना होगा, ऐसा आपका पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, उसको सर्कल करना होगा, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, कुछ लिखना और नहीं है। तो इसके लिए जो तैयारी करनी है उसके लिए हम आपके साथ है। हमने ऑलरेडी अनाउंस किया था फ्री सीईटी टेस्ट और हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, स्टूडेंट्स रेगुलरली टेस्ट भी दे रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सीईटी को स्टूडेंट सीरियसली ले रहे हैं। तो ये डेली टेस्ट थे 10 क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट अब हम जो स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब एग्जाम को एक महीना ही होगा, एक महीना हमारे हाथ में, तो वी स्टार्ट विथ 25 क्वेश्चन टेस्ट एंड दिस विल बी ऑन दीज फोर सब्जेक्ट्स। तो हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन के टेस्ट हो गए, तो 25 क्वेश्चन चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो गए, उसके बाद सब्जेक्ट फुल सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स मिक्स करके भी टेस्ट हो गए, और फाइनली हम सीईटी पैटर्न का टेस्ट भी, 100 क्वेश्चन का टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। ये सबको आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑन आर ऐप, दिस इज ASR's लर्निंग ऐप विच इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। जब आप फर्स्ट टाइम ये ऐप ओपन करोगे तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा, तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी यहाँ पे भरनी होगी। तो दैट विल बी द स्टेप टू आफ्टर डाउनलोडिंग, यू फिल अप द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना नाम डालिए, कोर्स सिलेक्ट कीजिए। कोर्स सिलेक्ट कैसे करना है? हमारे लिस्ट ऑफ कोर्सेज है, आपको स्कूल लेवल जो है आपका स्कूल एंड 10th स्टैंडर्ड के पोस्ट सीटी जो है, इसके लिए आपको ट्यूशन 13 ट्यूशन नंबर ये सिलेक्ट करना होगा कोर्स में, और उसके बाद जो मैसेज है मैसेज में आप लिख लीजिए, क्योंकि ट्यूशन में हम फर्स्ट टू 10th कुछ भी कंसिडर करेंगे, तो आपको क्लैरिफाई करना है, आपको करेक्ट डिटेल्स दोगे तो आपको करेक्ट कोर्स अलॉट किया जाएगा। तो आप मैसेज में यहाँ लिख लीजिए सीईटी फॉर FIJC विच यू आर इंटरेस्टेड इन, तो आप ये मैसेज डाल के अपना डिटेल्स भर के सेंड कर देंगे। वंस यू सेंड अस दीज डिटेल्स वी विल प्रोवाइड यू द लॉगिन, तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मैसेज आ जाएगा, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके लॉगिन करना है हमारे ऐप पे, और वंस यू लॉगिन ऑन आवर ऐप उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, जो भी फ्री मटेरियल हमारा वो अवेलेबल होगा यहाँ पे, जो कोर्स आपने सिलेक्ट किए होंगे वो कोर्सेज भी आपको यहाँ पे सारे अवेलेबल दिखेंगे, जो भी उनके वीडियोस है सब। तो टेस्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे सारे फ्री टेस्ट दिए जाएंगे, तो आपका टेस्ट सेक्शन ऐसे दिखेगा, आपने जो अटेम्प्ट किए टेस्ट वो आपको लिस्ट यहाँ पे अटेम्प्टेड में दिखेगी, अपकमिंग में जो टेस्ट शेड्यूल्ड है उनके बारे में दिखेगा, पेंडिंग टेस्ट में मतलब जिनकी डेट
जा चुकी है लेकिन आपने अब तक नहीं दिया तो पेंडिंग टेस्ट में हो गया, आप वो दे सकते हैं। तो ये सारे ऑनलाइन टेस्ट की डिटेल्स है। आप क्वेश्चन खोलोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है द आईयूपैक नेम ऑफ CS3CHO इज, दिस इज योर साइंस वन 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस में साइंस वन चैप्टर 9 है कार्बन कंपाउंड्स, उसका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर हियर इज एसिटाल्डिहाइड। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हो गए, तो 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट के हम अब स्टार्ट करेंगे अपलोड करना। सो यू कैन अटेम्प्ट दीज टेस्ट्स, प्लस यू कैन सी योर टेस्ट रिजल्ट एट द सेम टाइम। जैसे आप टेस्ट सबमिट करोगे आपको रिजल्ट दिखेगा, आप कौन से क्वेश्चंस करेक्ट दिए, कौन से रॉन्ग दिए, करेक्ट आंसर क्या था। आप अपना रिविजन यहाँ पे सिलेक्ट करके कभी भी रिविजन भी कर सकते हो। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होगा, यू कैन चेक योर स्कोर। सो दिस इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर फ्री, सो अवेल दिस बेनिफिट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।